गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। सर, सभी की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, सभी का जी अपना अपना ओपिनियन होता है सर, है ना, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, और जो जो हम डे टू डे देखते हैं अपने पेशेंट्स या अपने केसेस। मेरा विचार ये है ना सर, कि हमारे किन्नौर में, हमारे हिमाचल में और हमारे इंडिया में भी, अगर आप देखें ना जो 90s की मूवीज थी, उसमें भी एक पर्टिकुलर क्लिप्स आता है ना, कि कमला तेरा बेटा बड़ा हो गया, बेटा तो बेरोजगार है तू इसके शादी ब्याह कर ले, कमला तेरा बच्चा बुरी संगति में है तू इसका विवाह कर दे। हमारे समाज में चाहे लड़का, मतलब तो एक लड़के को पॉइंट करके बोलते हैं, अगर लड़का उद्दंडी है, लड़का बेरोजगार है, लड़का नशा करता है, लड़का पढ़ने में मन नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या है, समाज का हमेशा ये रुचि रहा है कि लड़के की शादी करा दो। अब होता क्या सर, पहले पहले जमाने में तो चल ठीक है, लोगों की विचारधारा अलग थी, जो मूलभूत जो आवश्यकताएं थी बहुत कम थी। आज के टाइम में शायद वो चीजें बदल गई है। अगर मैं ये बताऊं कि किसी का लड़का है ना, लड़का नशा करता है, माता पिता का, रिश्तेदारों का, सबका ये सुझाव है कि यार ठीक है लड़के की शादी करा दो, और कुछ साल बाद गृहस्थ जीवन में आ जाएगा, पत्नी आएगी तो लड़का सुधर जाएगा, अपनी जिम्मेदारियां समझेगा, जबकि ऐसा नहीं होता ना सर। उल्टा जब शादी के बाद लड़का अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता, तो वहां पे फिर संभावना रहती है कि आपस में लड़ाई झगड़े हो। फिर दूसरी बात, उस केसेस में ना एक वाला जो पार्टनर है वो खुद को ऐसा फील करता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और सच में ऐसा है भी है। अगर हमें पता चले कि यार हमारे हमें जो रिश्ते का एक ऑफर मिला था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समाज ने, सोसाइटी ने, रिश्तेदारों ने ये देखा कि नहीं लड़का बहुत अच्छा है, सुशील है, ये है, और शादी के बाद अगर उसे उसका उल्टा ही मिलता है, तो डेफिनेटली अगला बंदा बहुत हर्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे कैसा, धीरे धीरे क्रम सा बनते जाता है, डिप्रेशन का, हेरासमेंट का, वर्बल एब्यूज का, वो सब अल्टीमेटली सर कंक्लूड होकर एक दिन ये टाइम आता है कि जो घर का घरेलू जो हिंसा है वो या तो थाने में जाके खत्म होती है, या फिर अस्पतालों में जाके, जहाँ पे हम सुनते हैं कि महिला ने जहर खा लिया, महिला ने छलांग लगाने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। तो मेरा मानना ये है ना सर, कि हमारे समाज में, मतलब मेरा ये मानना है कि हम जितने भी ह्यूमन स्पीशीज है, हम जितने भी इंसान है, हमारा अल्टीमेटली लाइफ का गोल ये होता है कि सर हम अपने जीवन को एक अच्छा सा मकसद दे, समाज के लिए, है ना, संसार के लिए कुछ एक नई चीज छोड़ के चले जाए। बट हमारे कल्चर में, ऑल ओवर इंडिया में यही रहा है कि हर एक गलतियों को छुपाने के लिए आप किसी की शादी करवा दो, हर एक मतलब कमियों को ढकने के लिए एक ही उपाय है, शादी करा दो। तो मेरा ये मानना है सर कि अगर थोड़ा सा हमारा समाज, हमारे जो मतलब कल्चर, हमारे लोग इस थोड़ा विचारधारा से थोड़ा सा अलग जाएंगे, तो ये घरेलू हिंसा या फिर ये सब चीजें को हम बचा सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। और सर मैं आपका मेन क्वेश्चन तो भूल जी गया, प्लीज फिर से रिपीट करवा देंगे। जी जैसे कम उम्र में शादी करते हैं तो क्या जो है कुछ शारीरिक जो है मानसिक शारीरिक जो है ये चीजें बढ़ता है जो जिससे जो बिल्कुल है सर, बिल्कुल धैर्यता धैर्य नहीं रहता है या फिर गुस्सा चिड़चिड़ापन इस प्रकार का। बिल्कुल सर, मुझे ये लगता है ना सर, देखो चाहे वैवाहिक जीवन हो या फिर गृहस्थ जीवन हो, उसके लिए इंसान फिजिकली और मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए, मुझे ये मानना है। हाँ, अगर आप बहुत अर्ली एज में मैरिज करते हो, बहुत अर्ली एज में आप कंसीव कर रहे हो, है ना, आप गर्भवती हो रहे हो, तो जो है ना फलाना जो महिला है उनका शरीर उनके गर्भावस्था के लिए साथ नहीं देता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बहुत कम एज पे अगर आप प्रेगनेंसी अचीव करोगे, तो क्या है, चांसेस रहते हैं कि उनके रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाए, क्योंकि उस उम्र में जो उनका जो शरीर है उनको साथ नहीं दे पाता। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो जो महिला है नॉर्मल तरीके से बच्चे को डिलीवर ना कर सके, उनके लिए हमको सिजेरियन करना पड़े। और दूसरी बात ये भी है सर कि एक पेरेंटिंग की जो जॉब है या फिर जिसको हम बोलते हैं जिम्मेवारी है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम होता है। अगर अभी मैं ये बात करूँ कि हमारे यहाँ पे किन्नौर में जो 17-17 साल में या 15-16 साल में जो लड़कियां शादी कर रहे हैं, वो खुद ही फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, वो सारे अंडरवेट है, वो सारे मालन्यूट्रिशन से, ऐसे मतलब महिलाएं जब एक बच्चे को जन्म देंगे तो बच्चा भी बहुत ही अंडरवेट सा होगा, प्री टर्म होगा, मालन्यूट्रिशन सा होगा। उसके बाद क्या सर, वो बच्चे का एक लाइफ साइकिल ऐसा चलता रहेगा, बच्चा अगर कमजोर है तो बच्चा बच्चे की इम्यूनिटी बहुत डाउन रहेगी, उसको बहुत फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन होता रहेगा। वैसे सर अगर हम बोले कि मानसिकता के बारे में, अगर मुझे नहीं लगता कि एक महिला जो खुद 17-18 साल या 20 साल तक की एज में भी है, जो खुद अभी मतलब अपने बाल अवस्था में चली है, वो मतलब कैसे सक्षम है एक बच्चे के जी पालन पोषण के लिए, कि बच्चे को कैसा बड़ा करना है। जी
ये तो सर बहुत लाजमी है। हाँ कि सर जितने भी है, अगर बहुत कम उम्र में आप शादी करोगे तो आपके आप ना फिजिकली रूप से सक्षम हो ना मेंटली रूप से हो। इसके बहुत सारे मेडिकल मतलब टर्म्स भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, तो उसके तो सर कोई काउंट ही नहीं सर। अगर हम ये गिनाने पे आए कि मतलब उसे क्या क्या नुकसान है, तो सर वो काउंटलेस है। बहुत बेहतरीन आपने बताया कि कम उम्र में काफी चीजों को हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों को जो है काफी दिक्कतें सहना पड़ सकता है। शॉर्ट शॉर्ट में हम जाएंगे, समय सीमा भी हमने देखना है। और दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप इस एपिसोड में बने रहे। लास्ट के एपिसोड में मेरे पिताजी का एक अनुभव है जो आपके बीच में साझा करेंगे, और हम आपको लास्ट में साझा करेंगे, फिर हम चर्चा करते रहेंगे।